मदद की जय। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर ऐसे आदमी के लिए जिसके पास कोई साधन ना हो उसको एक सुरक्षा प्रदान करी है, और ये कार्ड के माध्यम से, ये स्मार्ट कार्ड जो आप लोगों को बटने जा रहे हैं, इसके माध्यम से आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें ऐसे परिवार जो आयकर नहीं देते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उसके अलावा 2.5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है, कोई नौकरी में नहीं है जहाँ भविष्य निधि कटती हो, तो सब लोग इसमें पंजीयन करवा सकते हैं। छोटा व्यापारी, कोई छोटा दुकानदार, ठेले लगाने वाला, उसके बाद मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला, घर में काम करने वाली वाली हमारी भाई बहनें जो हैं, कोई भी इसमें पंजीयन करवा सकता है। इसके लिए पूरे शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अभियान चलाया और 38,000 लोगों का पंजीयन कटनी में किया गया। अब इस योजना के लाभ कौन कौन से हैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ये कार्ड जो है आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है, आधार कार्ड जैसा कार्ड है ये, और इसमें आपके लिए घर में अगर कोई बिजली का बिल है तो 200 रुपए आएगा 1 किलोवाट तक के कनेक्शन का, जिसमें 1 किलोवाट में पंखा, CFL लाइट, दो पंखे, CFL लाइट, एक कूलर, एक टीवी और चार बल्ब, CFL वाले बल्ब, ठीक। इतना अगर जलाएंगे तो जितना भी बिल आएगा उसको भुगतान कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी चिंता कौन करेगा? सरकार करेगी। माने KG 1 से लेकर के पहली कक्षा से लेकर के PhD तक का जो खर्चा है सरकार, शिक्षा का फीस सरकार भरेगी, वो आपको भरने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर में भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़ता है तो राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का पूरा इलाज सरकार कराएगी। तो आपको ना दवाई देना है, ना पैसा देना, सरकारी अस्पताल में बिल देना है। उसके बाद सबसे बड़ा लाभ आपको ये है कि घर में कोई अगर बहू गर्भवती होती है तो उसको 4,000 रुपए की राशि सीधे उसके खाते में आएगी, और उसको ताकि इसलिए आएगी कि जो बच्चा उसके पेट में है उसका पालन पोषण सही हो सके, माँ दूध पी सके, माँ फल खा सके, ताकि आने वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे। उसकी भी चिंता सरकार कर रही है, जो है उनकी कर रही, जो आने वाले उनकी भी कर रही है। उसके बाद जब डिलीवरी होगी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना पड़ती है, तो उसमें 12,000 रुपये की राशि आएगी कि गुड़ के लड्डू जो अपन खाते हैं, जो हरीरा है, गुड़ के लड्डू हैं, सारी चीज़ें आप लोग घर में अच्छे से खा सको, ताकि माँ जो है स्वस्थ रहे और बच्चे को दूध मिले माँ का पीने के लिए। इसके लिए सरकार ने चिंता करी है कि फल फूल मिठाई सब खाएंगे। उसके बाद अगर परिवार में कोई दुख होता है, कोई गमी होती है परिवार के सदस्य की, आपको बता रहा हूँ कि 2-2 लाख रुपए की राशि अभी बहुत सारे लोगों को मिली है, तो कोई भी अगर गमी, एक तो भगवान ना करे कोई गमी हो, लेकिन अगर कोई गमी होती परिवार में, आपका जो राशन कार्ड है, जो आपका जो कार्ड बना हुआ है उसके साथ में परिवार का सुझाव है, उसमें भी 2 लाख रुपए की राशि सरकार दे। और अगर कोई दुर्घटना में कोई मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए की राशि शिवराज सिंह चौहान की सरकार देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ठीक है। और उसके बाद अगर घर में कोई गमी हो, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन होती है, तो कफन दफन के लिए भी सरकार ने 5,000 रुपए नगद राशि देने का प्रावधान किया है। तो इतनी चिंता करने वाली सरकार। उसके बाद और बताना चाह रहा हूँ कि आपको ठेला लगाना है, कोई व्यवसाय करना, काम करना है, कोई छोटा मोटा काम करना मुख्यमंत्री आजीविका मिशन में, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। नगर निगम से, बैंक के माध्यम से आपको ऋण दिया जाएगा और 30% की सब्सिडी मिलेगी उसके अंदर। तो काम भी करो, व्यापार भी करो, बीमा भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई, घर में बच्चा हुआ तो ठीक, बिजली का बिल आपका 200 रुपए, बाकी पैसा सरकार भरे, और उसके अलावा पुराने भी जिसके बिजली के बिल आ रहे तो उनको भी माफ किया गया है, बुला बुला के शिविर लगा के हुआ ना यहाँ पे। तो ऐसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, और हमारी पार्षद हैं सीमा भाभी, यहाँ सीमा सोगानी जी, कैलाश सोगानी जी यहाँ लगे रहते हैं, और ये नगर निगम के राकेश हैं, और सभी लोगों का स्टाफ पूरा लगा रहता है, और आप लोगों की चिंता करता है कि एक एक व्यक्ति को चीन चीन करके घर घर जाकर के दिया है, किसी से कोई रुपया पैसा तो नहीं लिया ना, ईमानदारी सब कार्ड दे रहे हैं, यहाँ बुला के कार्ड दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठाओ, चले जाओ घूमने, रामेश्वरम चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ,
कामाख्या देवी चले जाओ, शिरडी चले जाओ, जहां जिसको जाना है चले जाओ, उसके पंजीयन चलते रहते हैं। उसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना में आपको लाभ मिल रहा सरकार का। सरकार ने अपने आपके कर्म सुधारने के लिए भी तीर्थ दर्शन की योजना बनाई, बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और आपको सुरक्षित रखने के लिए जो ये कार्ड दिया जा रहा है, ये सुरक्षा का इतना बड़ा कवच है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपने काम ईमानदारी से मेहनत से करो, देश की सेवा करो, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हम सब मिलकर के आप लोगों की चिंता करेंगे। आप ईमानदारी से काम करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय जी के सोच पर कि हर व्यक्ति हो, हम अगर रोटी खा रहे हैं तो क्या हमारा पड़ोसी रोटी ना खाए क्या? हम अगर छत में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी नहीं रहे क्या? सबके घर में पक्की छत होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री आवास में कितने लोगों को यहाँ मकान मिला? क्यों सर, बहुत लोग को पता अभी 24 लोगों को मिला है। 2022 तक सबके सर पे छत होगी। ये मोदी जी का काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का। इतने वर्षों सरकार बनी, कितने सारे मकान बना के रखे थे यहाँ पे कांग्रेस के समय में, किसी को मकान नहीं मिले। वैसी मकान और हमको कैसे दे करके पूरे करके उसमें लोगों को अलॉटमेंट करके हम मकान की व्यवस्था बना रहे हैं लोगों की और उनमें रख रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमारी योजना है उसमें लगभग 4300 मकान बन रहे हैं, जिसमें कि जिनके पास जमीन नहीं, पट्टा नहीं, उनके लिए फ्लैट बना के दे रहे हैं, प्रेमनगर में बना के दे रहे हैं, बिलहरी बना के दे रहे हैं, और जिनके पास में जमीन है, पट्टा है, कोई रसीद है, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार वो व्यवस्था भी कर रही है कि 2.5 लाख रुपए की राशि आप लोगों के खाते में आ रही, ताकि पक्की छत में इज्जत से आप रहो। अभी 2.5 लाख में 50 लोगों की छतें पड़ दी गई, 50 लोगों की छत पड़ चुकी है। तो ये अपने आप में ऐसी सरकार जो काम कर रही, कोई पैसा नहीं ले रही, कोई रुपया पैसा नहीं ले रही, कोई सपने नहीं दिखा रही है, आपके अकाउंट में पैसा डाल रही है, कोई घूस पट्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, सब काम ईमानदारी से करने वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही इतनी चिंता कर रही है कि आज तक इतने सालों में आज़ादी के बाद पिछले 3 सालों में जो चिंता हुई आप लोगों की 3.5 सालों में, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब से आई 14 साल हो गए, 15वां साल चल रहा है, तो आगे चल करके अगर ऐसी ही व्यवस्था रखना है तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और हम सब मिल करके आप सबके कल्याण के लिए काम करेंगे और आगे चल करके एक एक व्यक्ति को सुविधा मिल सकती, पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, रोजगार की, सम्मान की सब व्यवस्था करने वाली सरकार है हमारी। हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, नगर को अच्छा बनाएंगे, और आप लोग भी मेहनत करो और सब लोग आगे बढ़े, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। आज यहाँ पर जो कार्ड का वितरण हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, इसको बहुत संभाल के रखना है। इसमें क्या है कि किसी का गरीबी रेखा कार्ड नहीं भी हो तो भी माने इसमें सारी सुविधाएँ गरीबी रेखा की हो जाती है, अनाज छोड़कर। उसके बाद भविष्य में भी कोई सरकार की योजनाएं आएंगी तो इसी कार्ड से लाभ मिलेगा। झाड़ू पोछा करने वाली बहनें हमारी, हमारे जो भाई ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सबके लिए योजना बनी है। किसी को रिक्शा चाहिए तो रिक्शे की भी योजना बनी है, ई रिक्शा दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम चीज़ों के काम जो हो रहे हैं गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, जो कभी नहीं हुए, वो आज आप लोगों के सामने हो रहे हैं और आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। यहाँ कितने कार्ड बढ़ रहे हैं भाभी? 1600 बटेंगे आपकी आबादी जितनी है वार्ड की, 1600 कुछ भरा होगा, 1600 फॉर्म भरे हैं। और भी अगर कोई चिंता मत करना, कोई छूट जाए, नहीं सर भरता जा रहा हूँ, तो भरते जाना फॉर्म, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। सबको अपने अपने उसमें काम करने का मौका मिलेगा और सबके कार्ड भरे जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन अपनी पूरी सच्ची जानकारी देना, क्योंकि वास्तव में सारी जिम्मेदारी आपके फॉर्म भरने वाले की है, सरकार आपसे कुछ नहीं पूछ रही है। आपने लिख दिया, दस्तखत कर दिया कि मेरे पास ये है, तो वही सच्चा मान रही है। तो सच्ची जानकारी भरो और सारी योजनाओं का लाभ उठाओ, ठीक है? और आज यहाँ पर जो है आप लोगों ने मुझे बुलाया है, तो मिल करके अच्छा लग रहा है आप लोगों से। और ये कार्ड का वितरण जब हो जाएगा, इसको जिम्मेदारी से आप संभाल के रखना पड़ेगा। तो भैया जिन जिन के हैं देखिए ना भैया।